Hello, namaste, and welcome to the other session of NCPA Vispas. Today we have with us two fantastic performers. One is Dhara Gandhi. She is an Odissi practitioner, teacher, and performer. Second, we have Maithili Anupji, a Mohini Attam dancer, teacher, and performer. So, welcome to you all to this beautiful session with all the beautiful kids attending all the way from Kolkata. Thank you. Over to you, Dharaji. Welcome again. Thank you. Thank you, Shama, so much. Namaste, bacho. How are you all? Kemon acho? Hello, Achi. Okay. Myself, Dhara Gandhi. I'm an Odissi dancer, Nityangana hu. और आज हम थोड़ा ओडिसी के बेसिक्स के बारे में जानेंगे और फिर मैं आप सबको भी थोड़ा नृत्य हम सब साथ में थोड़ा नृत्य करेंगे ठीक है. तो ओडिसी जो है आप सबको पता है कहाँ से है. ओडिशा से है जो ईस्ट ऑफ इंडिया में है. और ओडिसी नृत्य की शुरुआत जो हुई वो पहले जो थे बॉयज थे जो लड़के थे जो गोटीपुआज नृत्य करते थे इसे. फिर जो थी लड़कियां जो महारीस कहती थी जो भगवान जगन्नाथ जी जो है जो ओडिसी नृत्य के जो मेन इष्ट देव है तो मंदिर में जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके सामने उनकी पूजा करते थे और उस तरह से ओडिसी नृत्य की शुरुआत हुई. और आज मैं आपको पहले जो है जैसे कोई भी आप भाषा सीखते हैं बंगाली हो हिंदी हो इंग्लिश हो तो पहले उसका ग्रामर आपको सीखना पड़ता है करेक्ट. तो उस हिसाब से हम ओडिसी में किस तरह से कौन से बॉडी पोजिशंस है तो जो चार मेन बॉडी पोजीशंस है उसे सीखेंगे. मैं एक बार आपको दिखाऊंगी और फिर आप भी मेरे साथ करोगे ठीक है. ट्राई करेंगे तो एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और फिर आगे आगे थोड़ा कुछ और डांस सीखेंगे ठीक है. जो फोर बॉडी पोजीशंस है उसमें जो फर्स्ट बॉडी पोजीशन है उसे कहते हैं चौक ठीक है. तो आप लोग सब अपनी जगह पे उठ जाइए. वीडियोस को प्लीज ऑन करिए ताकि मैं देख सकूं आपको आप मुझे भी देख सके. तो जो पहला बॉडी पोजीशन है उसे कहेंगे चौक. देखते पाचो सब देख सकते हैं मुझे ठीक है. ओके सो पहले खड़े रहेंगे पैर साथ में रखेंगे समपादम ठीक है. इसे कहते हैं जब पैर दोनों पैर साथ में रहेंगे उसे कहेंगे समपादम. समपादम से लेके हम जाएंगे सेकंड बॉडी पोजीशन जिसे कहते हैं चौक. तो ये है चौक. ये चौक है इसे आप कैसे करोगे आप लोग सब ट्राई करेंगे. मैं पहले आपको चारों बॉडी पोजीशन दिखाऊंगी फिर आपके साथ करूंगी ठीक है. तो फर्स्ट पोजीशन हुआ ये फीट टुगेदर दोनों पैर साथ में इसे कहेंगे समपादक. समपादक से हम जाएंगे दूसरे बॉडी पोजीशन में जो है चौक. तो ये वन ये टू ये थ्री और फिर ये दोनों अंगूठों को लेके आप दोनों पैरों के बीच का ये जो है डिस्टेंस उसे नापोगे. इसे नाप के आप अपने हाथ इधर रख सकते हो इधर रख सकते हो इसे कहेंगे चौक. इस इज लाइक अ स्क्वायर. हां ये पोजीशन जो है इसे स्क्वायर के जैसा शेप है. फिर जाएंगे तीसरे बॉडी पोजीशन में जिसे कहते हैं त्रिभंगी. त्रिभंगी जैसे थ्री हाँ तो तीन भंगी जो होते हैं तीन जो कर्व्स होते हैं शरीर के उसे कहते हैं त्रिभंगी. ये वन ये टू ये थ्री ये फोर फिर ये बैठ फाइव फिर सामने गए सिक्स फिर वापस आए सेवन और एट. आपको दिख रहा है ये मेरा फेस नेक जो है एक साइड है ये वन कर्व ऑफ द बॉडी हुआ. ये जो दिख रहा है कमर के पास ये दूसरा कर्व हुआ और फिर ये जो लेग्स दिख रहे हैं तो ये वन टू और थ्री तो इसे कहेंगे त्रिभंगी ठीक है. सॉरी मैम एक बार और दिखाइए ना प्लीज. यस यस हाँ सब लोग साथ में करेंगे मेरे. मैं पहले आपको चारों दिखा देती हूँ फिर हम सब साथ में करेंगे ठीक है. तो ये हुआ त्रिभंगी. फिर जो फोर्थ बॉडी पोजीशन है खड़े रहेंगे सभंग समपाद में और फिर यहाँ से एक पैर को आगे लेंगे और ये बॉडी वेट एक पैर पे हाथ को भी यहाँ रख सकते हैं इसे कहेंगे अभंग. क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं इसे अभंग ठीक है. तो
चारों बॉडी पोजिशन एक बार और से फिर से ट्राई करेंगे। यस, चलिए सब लोग अपनी जगह पे उठ जाइए और जहां पे भी होता है ट्राई करिए, ठीक है। फर्स्ट बॉडी पोजिशन लेंगे, खड़े रहेंगे दोनों पैर साथ में, हाथ को आप यहां रख सकते हो, इसे कहेंगे समपाद, ठीक है। ये ओडिसी नृत्य का फर्स्ट बॉडी पोजिशन समपाद, जहां पैर साथ में है। यहां से जाएंगे सेकेंड बॉडी पोजिशन जो है चौक, तो उसके लिए दोनों पैर समभुजा से यहां खोलेंगे, ये वन, फिर वापस खोलेंगे टू, फिर वापस खोलेंगे थ्री, दोनों अंगूठों का को जोड़ के दोनों पैर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस मेजर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है आपके बॉडी की हाइट और वेट के हिसाब से रहेगा, तो हर किसी का अलग रहेगा डिस्टेंस, इसे कहेंगे चौक। यहां अगर आप हाथ यहां रखेंगे, ये जगन्नाथ जी का भी एक रूप है और इसे एक स्क्वायर चौकन पिचर से भी कहा जा सकता है, तो ये है स्क्वायर। यहां से वापस आएंगे और फिर कोई भी पैर आप आगे लीजिए, एक पैर आगे एक पैर पीछे, इसे कहेंगे अपंग, ये पैर पे पूरा बॉडी का वेट रहेगा। और हाथ आप यहां रख सकते हैं, ये दूसरी साइड पे गए फिर यहां रख सकते हैं, दोनों साइड पे कर सकते हैं, इसे कहेंगे अभंग, ठीक है। आप लोग कहेंगे मुझे कौन से चार है बॉडी पोजिशंस, समभंग, चौक, त्रिभंगी, अभंग, ठीक है। तो ये थे फोर बेसिक बॉडी पोजिशंस ओडिसी डांस के, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे एक छोटा सा प्रेयर गणेश जी के बारे में, हाँ, जो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मेरे साथ मैं करूंगी, उसके बाद आप लोग भी दो लाइन ट्राई करेंगे, ठीक है। गणेश जी कौन थे, किसी को पता है गणेश जी कौन थे, गणेश जी की स्टोरी, गणेश जी के बारे में किसी को कुछ भी पता है? शिवरात्रि आ रही है, हाँ, कुछ दिनों में, दो तीन दिनों में शिवरात्रि आ रही है। शिव जी के पुत्र थे गणेश जी, और शिव जी जो थे उनकी जो गणेश जी की जो माँ थी वो थी पार्वती, हाँ, पार्वती जी उनका दूसरा नाम था उमा, हाँ, बहुत सारे नाम थे। पार्वती जी और शिव जी के पुत्र थे श्री गणेश। गणेश जी की वंदना हम हर कोई कार्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो पहले गणेश वंदना करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, उससे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और उनकी उनके याद करने से जीवन और सफल होता है। तो आज मैं आपको ओडिसी स्टाइल में एक छोटी सी गणेश वंदना दिखाऊंगी। आपको मैं दूर जा रही हूँ तो सुनाई दे रहा है अच्छे से, आवाज सुनाई दे रहा है, क्लियर है ना? ठीक है, तो मैं गाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी और फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सब उठ के थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो गणेश जी की जो ये प्रेयर है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी और फिर करूंगी तो आपको और समझ में आएगा मैं क्या कर रही हूँ। तो गणेश जी जो थे वो कौन थे, जैसे मैंने आपको बताया तो वो शिव और पार्वती जी के पुत्र थे। वो कहाँ पे थे, वो कहाँ बैठे थे, कल्प वृक्ष। तो जैसे पेड़ दिखाते हैं तो ओडिसी में कैसे दिखाएंगे, ये कौन सा हस्त है, त्रिपताक। करिए ट्राई करिए मेरे साथ करिए, हाँ, त्रिपताक। तो ये हस्त में ऐसे दोनों हाथों को लेंगे, हाँ, और ये ऐसे पेड़ दिखाएंगे। तो पेड़ कैसे होता है, ये पेड़ की जो जड़े हैं, जो ट्रंक है, ये सीधा इसको ट्रंक दिखाया और फिर वहां से जो फल, जो वृक्ष पे आते हैं फल, वो ये दिखाया, ठीक है। ये है हस्त, इसे कहते हैं त्रिपताक, ठीक है। तो ये कल्प वृक्ष, ये पेड़, हाँ, और उसके नीचे तल स्थितम, उसके नीचे ये है गणेश जी जो बैठे हैं। वो कौन थे, उमा, हाँ, ये है उमा। उमा जी कौन थी, उमा जी का दूसरा नाम पार्वती, पार्वती जी कौन थी, गणेश जी की माँ थी, हाँ, उनकी मम्मी थी। तो उमा जो पार्वती उमा है उनके वो पुत्र थे, और क्या था उनका, उनका एक बहुत बड़ा शरीर था। गणेश जी का पेड़ देखा है ना आप सबने, हाँ, गणपति बाप्पा मोरिया, गणेश जी का उत्सव आता है, पंडाल में जाते हैं, हाँ, सब गाते हैं ना गणपति बाप्पा मोरिया। तो गणपति बाप्पा जी का जो है उनका शरीर जो है वो बहुत, जो पेड़ था बहुत बड़ा था, तो महाकायम, तो एकदम महा जो उनकी काया जो शरीर था वो बहुत बड़ा था। और उन्हें और एक दंत भी कहा जाता है, किसी को पता है कि उन्हें एक दंत कहा जाता है,
कोई बताएगा मुझे? नहीं पता? एक दंत माने जिसका एक ही दांत था, तो वो एक ही दांत से जो नृत्य करते थे गणेश जी, इसीलिए उन्हें एक दंत कहा गया था। उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं गणेश जी की। हाँ, उन्होंने वेद व्यास जी जो थे, जिन्होंने महाभारत लिखी, तब उन्होंने गणेश जी को कहा कि आपको तो महाभारत लिखनी है, तो इतनी लंबी जो कहानी है तो कैसे लिखोगे, तो उन्होंने फट से अपना एक दांत तोड़ दिया। फिर दूसरी भी कहानी है, जब पार्वती जी स्नान करने जाती है तो वो गणेश जी को कहती है कि तुम बाहर रुकना और किसी को अंदर आने मत देना। तो शिव जी जब आते हैं और उन्हें जाना होता है पार्वती जी से मिलने, तो गणेश जी कहते हैं नहीं, मुझे तो माता का आज्ञा है, तो ये सुना है, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। तो शिव जी बहुत ही क्रोधित थे, जो शिव जी का जो रूप है तांडव रूप, तो वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं शिवा हूँ। तो गणेश जी ने कहा नहीं, मुझे तो मेरी माता का की आज्ञा का पालन करना है, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। और शिव जी नाराज होके गणेश जी का सिर काट देते हैं, तो वो भी एक कहानी है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो जुड़ी है गणेश जी के साथ, क्यों उन्हें एक दंत कहा जाता है और वो किस तरह से एक दंत से नृत्य करते हैं। तो मैं दो लाइन आपको दिखाऊंगी ओडिसी में और आप भी ट्राई करेंगे, तो एक बार देखेंगे और दूसरी बार मैं गाना गाऊंगी, आप लोग भी करोगे, ठीक है? अच्छे, ओके। नमामि विघ्नराज त्वं कल्पवृक्ष तदा स्थितम् पुत्रम् महाकार्यम् दन्तिकम् नेत्य कोहितम्। ठीक है, पसंद आया आपको? हाँ, भालो आची। अब मैं बांग्ला बोलते पा रही, अभी बांग्ला बोलते पा रही, আমার সঙ্গে বাংলাতে কথা বলবে, ঠিক আছে? ओके, एक बार ट्राई करेंगे, पसंद आया आपको, आप लोग ट्राई करोगे एक बार मेरे साथ? यस, चलो अपनी अपनी जगहों में उठ जाइए और वीडियो रखिए ताकि मैं भी थोड़ा देख सकूं आप सबको, हाँ, कि आप क्या कर रहे हैं। ट्राई करिए, मैं गाना गाऊंगी साथ में करूंगी आपके, आप लोग भी करिए। चलिए, तो पहला हुआ जो गणेश वंदना के लिए नमस्कार करेंगे, तो राइट लेग आगे लीजिए और दोनों पैरों को समपाद, जो फर्स्ट बॉडी पोजिशन सीखा था समपाद, उसमें खड़े रहिए। नमामि, ये मारा पैर उठाया और ये रखा, ये गणेश जी की सुन, हाँ, जो एक दंतों से कहा जाता है, ये गणेश जी का पोस्चर हमने दिखाया, ठीक है? वन मोर टाइम, नमामि विघ्नराज त्वं, आप जो है कौन? गणेश जी, आप जो है कल्प वृक्ष, पेड़ के नीचे जो बैठे हैं, कल्प, ये पेड़ दिखाओ, पेड़ दिखा के वहीं से राइट लेग को पीछे लो, वृक्ष तड़, दो स्टेप आगे चलो और वो पेड़ के नीचे गणेश जी बैठे हैं, ओके, वहीं से राइट लेग को घुमाओ और घूमो, टर्न करना है, ये दिखाया पार्वती जी, उमा, फिर राइट लेग को नीचे रख के पुत्रम, लेफ्ट लेग उठाइए, ये गणेश जी जो उमा के पुत्र है, महाकायम, जिनका एकदम बड़ा शरीर है, दंतिकम, जो एक दंत कहलाते हैं,
उस मृदंग से वो नृत्य करते हैं, नृत्य को बी डम एंड ता। ओके आगे करना है दो लाइन, मजा आ रहा है? यस मैम। यस दो लाइन आगे करेंगे, चलिए हाँ। फिर यहां से दिखाते हैं जो शिवा और पार्वती, ठीक है। सो तांडव ये दिखाया शिवा, प्रिय ये दिखाया पार्वती। जो शिवा और पार्वती के पुत्र है वो है गणेश, पुत्राय। फिर तांडव ये दिखाया शिवा को प्रिय, और ये जो है शिवाजी के क्या है उन्होंने रखा सांप, ये सांप है उनके गले में, और फिर वो गले में सांप लेके वो पूरा घूमना है, ठीक है। नमो चिंतामणि, जो गणेश जी को याद करेगा हमेशा हमेशा नित्यम, हमेशा उसकी बुद्धि बहुत ही पवित्र बहुत ही शुद्ध रहेगी। ठीक है कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मैम। गणेश वंदना अच्छा लगा ओडिसी डांस में? यस मैम। यस अच्छा आप लोग कर पाए मेरे साथ कर पाए? यस ओके ओके। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत पूछूंगी हैंड जेस्टर्स, हाँ जैसे मुद्रा होती है डांस में, हाँ हर डांस में होती है हैंड जेस्टर जिसे हम मुद्रा कहते हैं हिंदी में। तो ये फर्स्ट मुद्रा है हमारी जो है पताका, तो ये आप मुझे बताओ कि ये पताका हम कहाँ यूज करते हैं डेली लाइफ में? तो आप लोग जाते हो स्कूल जाते हो, हाँ कहीं पे भी बाजार में जाते हो, कुछ भी काम से जाते हो, तो ये आप कैसे यूज करते हो? जैसे हम डांस में इसे यूज करते हैं बहुत सारी जगह पे, जैसे ये दिखाया हाँ अभी ऐसे खड़ा है तो ये कोई पोस्चर दिखाना है तो प्योर डांस में हम यूज करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। तो वैसे आप कहाँ पे उसे यूज करोगे कोई बता सकता है मुझे? इसे कहते हैं पताका, तो इसे जब कहना है कि नहीं नहीं मत जाओ वहां पे तो सांप है, हाँ तो जब कहना है नो, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में भी नो डोंट डू दिस, टीचर कहती है ना आपको, तो जब कहना है नो हाँ तो हम पताका यूज करते हैं। ऐसे और कहाँ पे यूज करेंगे आप लोग बताओ मुझे? कोई नहीं बताएगा? चलिए सोचिए सोचिए कहाँ पे यूज होता है, जब आप उसे रिलेट कर पाओगे आपके जीवन में तभी आपको उस चीज को करने में और मजा आएगा, वरना आपको लगेगा ये तो क्लासिकल फॉर्म है, ये तो क्लासिकल डांस है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है तो मैं नहीं सीख सकती हूँ, है ना। तो जब आप उसी चीज को करोगे उसे अपना बनाओगे उसे समझ पाओगे और अपने जीवन में उसे यूज कर पाओगे तभी आपको उस चीज में और मजा आएगा, करेक्ट। तो कौन बताएगा मुझे पताका कहाँ यूज हो सकता है? हाँ ये पताका है, फिर ये पताका से हम बर्ड्स भी दिखा सकते हैं, हाँ फिर और कौन सी मुद्राएं हैं, बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जिससे अलग अलग चीजों में, हाँ फिर ये अर्धचंद्र है, ऐसे हम उसे फिश दिखाते हैं, तो जब हमें फिश दिखानी है मछली, हाँ तो मछली को दिखाना है तो हम ऐसे यूज करते हैं अर्ध, ये अलग मुद्रा है। बहुत सारी ऐसी मुद्रा है, जब हमें पानी दिखाना है तो हम पताका यूज करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे हम अलग अलग मुद्राओं को यूज करते हैं, ठीक है। पसंद आया? यस ओके हाँ तो आज का हम यहीं रखेंगे और फिर इनमें हम फिर नया कुछ करेंगे, हाँ अभी के लिए नमस्ते। नमस्ते, आपको आवाज आ रही है? क्लियर सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके ठीक है। यस मैम। तो मैं मैथिली मैं एक मोहिनीअट्टम डांसर हूँ और मैं जो मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा हिंदी, हैदराबादी हिंदी में मैं बात करूंगी, मैं तो बांग्ला भी नहीं जानती, तो
मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आपको पता है मोहिनीअट्टम कहाँ से है, कौन से स्टेट से है? नहीं सुना मोहिनीअट्टम के बारे में अभी तक? सुने आप नहीं? अच्छा ठीक है। तो मोहिनीअट्टम केरल, केरल का एक नृत्य रूप है। केरल जो एकदम साउथ में है, साउथ वेस्ट कोस्ट, हाँ, तो वहां का एक नृत्य रूप है। और केरल में और भी कई कई किस्म के नृत्य और म्यूजिक, संगीत और नाटक के फॉर्म्स है, डांस ड्रामा फॉर्म्स है। तो आप शायद कथकली जिसमें बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम्स होता है, एकदम कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहन के एक्टर्स आते हैं, वो एक डांस ड्रामा फॉर्म है जो भी केरला से ही है। तो केरला में ही काफी बहुत सारे नाटक के और नृत्य के फॉर्म्स है जो केरला से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। और एक एक खूबी है जो केरला की ये जो नृत्य और ड्रामा फॉर्म्स का है, वो ये है कि इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस का, खास करके जो आंखों का, जो नजरों का जो चलन रहता है, उसमें बहुत एम्फेसिस होता है, बहुत ज्यादा उसमें अहमियत होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी बाद में, लेकिन आपको ओडिसी का एक बेसिक आइडिया मिला होगा। तो मैं आपको अब मोहिनीअट्टम के टेक्निक के बारे में बताती हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसा होता है कि मोहिनीअट्टम में जो एक कंटिन्यूस मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स की एक कंटिन्यूटी रहती है, ऐसा नहीं कि एकदम से आके कभी भी स्टॉप होता है, ठीक है। वो मूवमेंट्स का कंटिन्यूटी और वो सर्कुलर मूवमेंट्स, सर्कल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोहिनीअट्टम में। हर मूवमेंट में आपको या तो एक फुल सर्कल दिखाई देगा, सर्कल का एक पैटर्न, नहीं तो एक सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, नहीं तो एक आर्क, जैसे कि ऐसे ऐसे लिए तो नीचे तक हाथ गए तो हाफ सर्कल हो जाता, और यहाँ से ऐसे लिए तो एक आर्क होता, क्वार्टर सर्कल, ठीक है। तो ऐसे ये सिर्फ हाथों का ही नहीं, लेकिन पूरा बॉडी का भी ये सर्कुलर मूवमेंट्स बहुत एक बेसिक टेक्निक है मोहिनीअट्टम में। तो आप देख चुके होंगे कथक, ओडिसी, अलग फॉर्म्स देख चुके होंगे, और आपको पता है, आपको पता होगा कि अलग एक एक फॉर्म्स में उसकी उसका अलग एक नेचर रहता है। जैसे कि कथक में तो एकदम सा स्पीड में बहुत मतलब जो गति जो होती है, स्पीड बहुत बढ़ जाता है, हा? लेकिन मोहिनीअट्टम में उतना स्पीड कभी नहीं आता। ये इस वजह होगा कि मोहिनीअट्टम के जो ये जो सर्कुलर मूवमेंट्स है, ये जो कंटिन्यूटी है, वो कभी एकदम से आके ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। मैं मेरे जो थोड़े स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताती हूँ कि अगर कथक में गाड़ी 200 के स्पीड में जाके एकदम सा ब्रेक मार के रोक देते हैं, जैसे कि था, और वो सम के टाइम पे आके एकदम एक ही सेकेंड में रोक देते हैं डांसर, एकदम मतलब बहुत स्पीड, चक्कर लेके, नहीं तो पैरों का वो मूवमेंट्स करके एक ही दम आके ब्रेक देते हैं। लेकिन मोहिनीअट्टम में कभी भी गाड़ी 100 के स्पीड से ज्यादा नहीं जाती, बहुत एक मीडियम टेम्पो, एक मीडियम स्पीड में ही हमेशा मूवमेंट्स रहता। तो ये इस वजह से है कि ये जो बॉडी का मूवमेंट्स है, वो एक ही दम आके हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, जो ताल है, रिदम है, रिदम जैसे कि ता कर दी, ता कर दी, आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये तो बेसिक एक ताल है, फोर बीट्स, नहीं तो एट बीट्स, ता कर दी, तो ये एक ताल है, दिस इज अ रिदम। और रिदम चीज तो हर हमारे हमारी जिंदगी के, इवन इफ यू सी प्रकृति में भी, हर चीज में एक रिदम है। जैसे कि आप सोचो आपकी हार्ट बीट में एक रिदम है, किसी के चलने में, चलने की जो फुटस्टेप्स की आवाज है, उसमें भी रिदम है,
ठीक है, और हवा में जैसे ये पेड़ पौधे जैसे मूव करते हैं उसमें भी रिदम है। तो हर एक जिंदगी के हर एक हिस्से में, प्रकृति में आप देखें तो हर एक चीज में, छोटी सी चीज में भी आपको एक रिदम, आप रिदम सुन सकते हैं। और वो ही रिदम डांस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डांस में रिदम, हर मूवमेंट रिदम के ऊपर होता है। मूवमेंट्स तो वैसे भी हम लोग जिंदगी में करते हैं, नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, बैठना, बहुत सी चीज मूवमेंट्स तो होते ही रहता है। लेकिन डांस के मूवमेंट्स का क्या है खासियत, यही है कि वो रिदम में होता है और उसको एक फॉर्म होता है। जैसे कि आप ओडिसी में देखिए वो पोस्चर्स, हाँ, तो वैसे हर एक डांस फॉर्म में उसके, उसका अलग अलग पोस्चर्स रहता है। ठीक है, तो मैं आपको मोहिनीअट्टम का बेसिक पोस्चर दिखाती हूँ और आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, आप ट्राई करेंगे तो आपको जल्दी आसानी से आ जाएगा। मैं बेसिक पोस्चर्स और थोड़ा बेसिक बॉडी मूवमेंट बताती हूँ। तो ये है बेसिक पोजीशन, पैरों का पोजीशन, जैसे ओडिसी में है वैसे भी, वैसे ही मोहिनीअट्टम में भी हम लोग थोड़ा गैप देके नीज बेंड करके, नीज तो कॉर्नर्स में फेस करना चाहिए, ऐसा नहीं फ्रंट फ्रंट फेसिंग नहीं, कोने में फेस करके बैक एकदम सीधा, बैक स्ट्रेट। ठीक है, और ये है मोहिनीअट्टम का बेसिक पोस्चर। और ये पोस्चर में ये जो मैं बोली थी आपको वो पंचुला मूवमेंट्स और ये जो साइड टू साइड मूवमेंट्स ये होता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, आपके जो स्पाइन है, बैकबोन है, उसको एकदम सीधा रख के दोनों साइड को, दोनों साइड में ऐसे बेंड करना है। तो समझिए आप नारियल के पेड़ को देखे होंगे, वो बहुत जोर के, जोरों से हवा जब आती है कैसे एक साइड से दूसरी तरफ, दूसरी साइड ऐसे मूव होता है, वैसा ही है। तो नीचे का है जो पैरों का, फ्रॉम योर वेस्ट डाउन, कमर के नीचे कुछ भी मूवमेंट नहीं है, सिर्फ ऊपर के हिस्से में ऐसे इस वे। ये तो एक बेसिक, और एक मूवमेंट है तो हम चुड़ित को बोलते हैं, चुड़ित, चुड़ित मतलब एक सर्कल, स्पाइरल। तो ऐसे एक सर्कल में आपका अपर बॉडी मूव होना है, टांग तक करती, टांग तक करती, टांग पैरों से बहुत जोर से आवाज नहीं निकालते, पैरों का जो है वो फोर्स है बहुत कंट्रोल्ड है, जैसे कि ऐसे वन टू अब ट्राई किए थोड़ी मूवमेंट्स। यस मैम। तो ये आपको अभी थोड़ा बहुत एक आइडिया मिला होगा कि कैसा है इसका, ये डांस का जो मूवमेंट्स है, इसमें ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो है, जो एफर्ट है वो एक ही दम, ऐसा जैसे कि आप थाली मारते हैं एक ही सेकेंड में वो स्टॉप होता है, जोरों से आवाज आती है। लेकिन यही चीज जब आपको स्लो में करना है तो उसमें और ज्यादा कंट्रोल, हाँ, और ज्यादा कंट्रोल आनी चाहिए, उतना कंट्रोल है तो ही आप वो कर सकते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी नई चीज हो, आप
जब स्लो में करते हैं तो उसमें आपको उतना कंट्रोल है तो ही उसको एक अच्छे ढंग में कर सकते हैं। तो ये है मोहिनीअट्टम और दूसरे डांस फॉर्म्स का थोड़े बहुत फर्क। और मैं बताई थी कि मोहिनीअट्टम में जो अभिनया है, अभिनया क्या होता है, एक्टिंग, एक्टिंग यूजिंग द फेस, फेस फेशियल एक्सप्रेशंस हो या फिर हाथों से हो। आप तो देख अभी देखे जो गणेश वंदना में हस्तास मुद्रा, मुद्रा यानी हस्ता मतलब जो हाथों से एक एक अच्छा ठीक है। तो देखो हाथों का एक एक जो आप पैटर्न्स बनाते हैं, ये आपके अल्फाबेट जैसा है, लेटर्स ए बी सी डी है इंग्लिश में, हर एक लैंग्वेज में हर एक भाषा में उसका अल्फाबेट है, ठीक है। और ये अल्फाबेट्स को लेके आप शब्द बनाते हैं, आप वर्ड्स बनाते हैं, आप सेंटेंसेस बनाते हैं, हाँ। तो वैसे ही हर एक डांस फॉर्म में उसका ही अलग एक अल्फाबेट होता है, अलग लेटर्स है। और मोहिनीअट्टम में सबसे फर्स्ट लेटर अल्फाबेट जैसे ए बी सी, मोहिनीअट्टम का ए फर्स्ट अल्फाबेट है पताका। अब देखिए थोड़ी देर पहले, हाँ ये है पताका, ठीक है। अब देखिए ओडिसी में पताका अलग था, लेकिन ये मोहिनीअट्टम में ये है पताका, ये जो रिंग फिंगर है उसको उसको बेंड करते हैं। और ये फिंगर, ये थंब पास नजदीक रखना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत थोड़ा गैप देके रखना है, इसको एकदम स्टिफ पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं पताका का थोड़े यूजेस, जैसे आप पताका को यूज करके क्या क्या शब्द बना सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स बना सकते हैं, वो मैं दिखाती हूँ। आप भी करने, आप भी फॉलो कीजिए, आप भी कीजिए मेरे साथ। फर्स्ट वन है सूरज, सूर्य। तो सूर्य जो आसमान में धीरे धीरे उठता है, देखिए तो उसमें पहले नीचे से लेके ऐसे धीरे आंखों को ऊपर लेके आना चाहिए और आसमान की तरह वहां जाके रोकना चाहिए। ये है सूरज। और सूरज का भी आप जानते हैं, जैसे जब दिन शुरू होता है तब सूरज का की रोशनी एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट, फिर जैसे जैसे वो ऊपर एकदम मिड डे सर के ऊपर आ जाता है तो उसका फोर्स बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग आंखों के जरिए बताते हैं, वो सूरज की जो फोर्स है, रोशनी का फोर्स, तो वो है फर्स्ट फर्स्ट हस्ता, फर्स्ट वर्ड। सेकेंड है राजा, राज, ठीक है। तो राजा तो हमेशा एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, बहुत पावर है राजा में, तो वो बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए, सूर्य राज। नेक्स्ट वन गज, गज मतलब हाथी, उसको ठीक है। तो ये क्या है, ये हाथी का कान, यार, ठीक है। और ये है ट्रंक, जैसे ओडिसी में भी थोड़ा बहुत सिमिलर था, जैसे ट्रंक को दिखाते, तो ये है गज हाथी, ठीक है। नेक्स्ट वन है सिंह, सिंह लायन, ठीक है।
लाइन आप देख चुके होंगे जो अगर टीवी में सब आप देखे हैं तो ये लायंस कैसे कौन से पोजीशन में सोते हैं, ऐसा एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रख के ऐसा सर रख के सोते हैं। तो थोड़ा बहुत उसको स्टाइलाइज करके लोग ऐसा ये पोजीशन, पर उसमें वो जो आंखों का जो शार्पनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लायन तो एक किंग ऑफ द जंगल है, फेरोशियस है, तो वो बताते हैं आंखों के इसमें। ठीक है, सिंह ऋषभ, ऋषभ मतलब बुल। ये बुल के क्या है, सींग, हॉर्न्स। तो ऐसे ऐसे चलते हैं इसके जो वर्ड्स है, जो पताका हस्ता से हम लोग अलग अलग वर्ड्स फॉर्म करते हैं। इसे बहुत सारे हैं, तो मोहिनीअट्टम में 24 अल्फाबेट्स है, सॉरी 24 लेटर्स है, और ये अलग अलग लेटर्स यूज करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं और फिर वो वर्ड्स एक सेंटेंस में डाल के एक कहानी बताते हैं, कहानी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो आपको कोई कुछ सवाल है? ठीक है, तो मैं कुछ और बताती हूँ। हाँ, अभी हम लोग एक देवी का एक, जैसे आप ओडिसी में गणेश वंदना किए, अभी हम लोग एक देवी का एक थोड़ा एक श्लोक करेंगे। ठीक है, तो ये गणेश जी की माँ के ऊपर है, पार्वती देवी के ऊपर, देवी के ऊपर है, तो इसमें देवी का वर्णन किया जा रहा है। देवी के जो चेहरा है, जो फेस है, उसकी शोभा, शोभा ये है ब्यूटी, हस्ता फॉर ब्यूटी। ये लेफ्ट हैंड में ये सूची और राइट में ये है शोभा ब्यूटी। तो इसमें पहले जो राइटर है बोलते हैं कि बदना बदना फेस मारा मांगल्य, ऑस्पिशियस ब्यूटिफुल। और कैसा है उनका चेहरा, जैसे कोई खूबसूरत घर, घर के सामने जो आर्चेस रहते हैं, आर्च जो बड़े बड़े बंगलों के सामने गेट्स, ऐसा गेट समझो आप, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटेड एक गेट है, ऐसे ऐसे शेप में, आर्च के शेप में। तो वैसा है देवी के आईब्रोस और देवी का पूरा चेहरा ही एक एक शुद्ध, एक तालाब जैसा है जिसमें एकदम सा प्योर वाटर, शुद्ध पानी, साफ पानी, जिसमें हर चीज क्लियर दिखता है। तो वैसा है उनका चेहरा और फिर वो तालाब में, तालाब में क्या दिखता आपको, मछलियां। तो मछलियां उनके आंखों की तरह है, तो ये बात बोल रहे हैं ये श्लोक में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा वो श्लोक करके दिखाती हूँ। Thank you.
देवी के बारे में देवी का देवी के वर्णन का एक श्लोक ठीक है और अगला मैं और एक छोटा सा अभिनय मतलब जो एक्टिंग होता है उसका और एक एग्जांपल देती हूँ आपको। तो इसमें क्या है एक फूल है लोटस तो ऐसे करते हैं एक राउंड लेके ये बड है कभी फूल खुला नहीं फिर वो धीरे धीरे और ये क्या है आप गेस कीजिए क्या है ये क्या हो सकता है Yes? आपको क्या लगता है फूलों में क्या आता है एक बी है भवरा ठीक है तो एक भवरा आके फूलों से जो नेक्टर है फूलों का जो नेक्टर है शहद पीता है और फिर एकदम मस्त पी के मस्त होके में सो जाता है और फिर शाम होते ही फूल बंद होते क्योंकि जब तक सूरज है आसमान में तब तक ही फूल खुला रहता है उसके बाद वो बंद तो बंद होती है लेकिन अपना जो है भवरा उसके अंदर फंस गया है लेकिन आपको दिखता उसके अंदर वो छोटा सा भवरा है ठीक है और जब वो आंखें खोल के देखता है तो ये पूरा बंद है एकदम अंधेरा है फूल के अंदर वो फंस गया है ठीक है और वो ये उम्मीद से रहता कि अगले दिन जब सूरज निकलेगा तब ये फूल फिर से सूरज की रोशनी देख के देगी और घबरा आजाद हो जाएगा ठीक है तो ये थी एक छोटी सी कहानी एक पोएट्री से लिया हुआ है तो आपको कैसा लगा ठीक है तो अब हम देखेंगे अगर एक जंगल की सैर कर रहे हैं तो क्या क्या दिखता है जंगल में चलो अब अपने दोस्तों के साथ एक दिन जा रहे हैं पिकनिक जंगल में तो क्या क्या देखते हैं जंगल में ठीक है आप चल रहे हैं जंगल में दिखेंगे बहुत सारे पेड़ है
क्रीपर्स है, पेड़ है और बड़े लंबे पेड़, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही डरावनी भी है। इसमें क्या 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 जानवर होंगे, क्या देखते हैं आप जंगल में तारा जी? जंगल में एनिमल हाँ, तो हाथी कैसे दिखाएंगे? ये हाथी चल रहे हैं, फिर मृग जो डियर है, हाँ मृग जो है भाग रहे हैं, तो वो भाग रहे हैं जंगल में दिखा सकते हैं। फिर मछलियां है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तो मछलियां कैसे दिखाते हैं? फिर बर्ड्स है, दोनों साइड पे बर्ड्स दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकृति है, जैसे उन्होंने दिखाया पेड़ है तो पेड़ दिखाना है, पेड़ के साथ क्रीपर्स है तो अलग अलग जंगल में प्रकृति नेचर, पानी है जो पानी बह रहा है तो पानी दिखा सकते हैं, पानी में मछलियां हैं, फिर टॉर्टोइस भी दिखा सकते हैं। फिर उन्होंने जैसे दिखाया बुल, तो हम ओडिसी में बुल कैसे दिखाते हैं? तो ये बुल है। तो सेम चीजें हैं, सेम जो तो अच्छा, थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा स्लो हो गया था, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसे धारा जी बताए, आप चिड़ियों को दिखा सकते, चिड़िया ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्रीपर्स दिखा सकते हैं, पीकॉक्स है, और फिर जो है हाथी है। तो जो हाथी तो एकदम ऐसे ग्रैंडियर के साथ, हाँ एकदम बड़ा, सबसे बड़ा प्राणी है जंगल का, तो हाथी को कैसे दिखाएंगे? हाँ उस मैजेस्टिक तरीके से हाथी को दिखाएंगे। तो ऐसी बहुत सारे आपके इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं। इमेजिनेशन में कोई भी कोई परिमिति, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? आपके इमेजिनेशन में, आपके माइंड में जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो सोच आप आपके आपके डांस में हो, आपकी कोई भी, जैसे आपको अगर कुछ स्टोरीज लिखते हैं या पोएम लिखते हैं, शायरी करते हैं, तो उसमें सब आपका वो जो सोच है, क्योंकि माइंड के इसमें, माइंड की दुनिया में कुछ लिमिटेशंस नहीं है, कुछ भी मुमकिन है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तो हर एक चीज को आप आपके जो कोई भी कला हो जो आप कर रहे हो, म्यूजिक हो, डांस हो या राइटिंग हो, हर चीज में आपका वो जो माइंड का जो पावर है इमेजिन करने का, वो लेके आ सकते। आप लोग ट्राई करना चाहेंगे एक बार, कैसे दिखाते हैं हाँ एनिमल्स, बर्ड्स, क्रीपर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में कैसे दिखाएंगे? बैठे बैठे ट्राई करेंगे। चलिए, तो एलिफेंट कैसे दिखाएंगे? अगर एलिफेंट दिखाना है ओडिसी में, अगर एलिफेंट दिखाना है, ये हैंड्स यार ऐसे अंदर जाएगा और ये बाहर, हाँ ये एलिफेंट के बिग ईयर्स, जो बड़े बड़े कान है,
हाँ, तो ये एलिफेंट हुआ। वही चीज को अगर आपको दिखाना है, फिर अगर डियर दिखाएंगे, डियर कैसे दिखाएंगे, ये मुद्रा रखिए, देखिए ये दोनों फिंगर्स जो बीच की दोनों फिंगर्स और थंब को ज्वाइन करिए, हाँ दोनों हाथ से कर सकते हैं, एक हाथ पीछे रखेंगे एक हाथ आगे रखेंगे और ये जंप करके, हाँ ये वन और टू, ये भागा वन और टू। हाँ डियर तो बहुत फास्ट होता है ना, एकदम फास्ट 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 फास्ट, इतना जल्दी 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 भागता है, तो डियर शांति से नहीं रह सकता है, तो डियर इतना जल्दी जल्दी, तो ऐसे फट 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 भागते 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 ये दिखाना है मृग को। फिर मछली कैसे दिखाएंगे, मछली कहाँ रहती है, पानी में, तो बिना पानी के मछली नहीं, मछली के लिए चाहिए पानी, तो पहले पानी जैसे पता कर दिखाया था पहले आपको ओडिसी में याद है, तो ये पानी, हाँ ये पानी ऐसे भी बहता है और ये पानी ऐसे भी बहता है, दोनों पानी, और पानी में है ये मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सुना है ना, हाँ कविता सुनी होगी आप सबने, तो ये है मछली, हाँ तो मछली ऐसे तैरती है, तो ये मछली। फिर क्या दिखाया हमने, झाड़, झाड़ दिखाए, गणेश वंदना में भी देखा था ना झाड़ दिखाए थे, तो झाड़ कैसे दिखाया, ये त्रिपताका हस्त है, हाँ ये जो फिंगर है और ये थंब है साथ में रखिए त्रिपताका, फिर ये स्ट्रेट लाइन, हाँ जैसे ज्योमेट्री करते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे त्रिपताका को फोल्ड करके ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाइए, और फिर ये हैंड्स को ओपन करके ये, हाँ और ये बैठेंगे चौक में तो ये आ जाएगा, ये हुआ पेड़, तो उस हिसाब से हम उसे पेड़ को दिखाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मजा आया, कुछ सवाल कुछ पूछना चाहेंगे, क्या अच्छा लगा, कुछ समझ नहीं आया, कुछ सवाल? आप सब कोई सवाल नहीं है लगा, कोई क्वेश्चंस है आपको आप पूछ सकते हो, आप आपको सेशन में कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी बोल सकते हो, सबको सेशन अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। ओके ओके, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन, थैंक यू मैथिली जी एंड धारा जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एनसीपीए विस्तार, थैंक यू सो मच। टुडे वी हैड टू स्कूल्स फ्रॉम कोलकाता, बरिष्ठा पुरबापुरा हाई स्कूल एंड आलीपुरे तक्षाल बॉय स्कूल, थैंक यू सो मच, थैंक यू बीइंग अ पार्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।